थाना सेंधवा शहर परिसर में धारा 25 पुलिस एक्ट में जब्त शुदा वाहनों को पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरडी प्रजापति मार्गदर्शन में थाना परिसर में 25 पुलिस एक्ट में जब्त लावारिस मोटरसाइकिल नीलामी की प्रक्रिया को एसडीएम सेंधवा तपस्या परिहार, एसटीओपी सेंधवा एनएस रावत, थाना प्रभारी सेंधवा शहर राजेश यादव, रीडर एसटीएम अजय वर्मा की उपस्थिति में धारा 25 पुलिस एक्ट में जब्तशुदा 37 वाहनों की नीलामी की गई, जिसमें जब्तशुदा सभी वाहनों की बोली लगाकर नीलामी की गई। कुल 140 लोग बोली लगाने में शामिल हुए। विभिन्न मोटरसाइकिल की जो अधिकतम बोली में कुल 6,09,100 रुपए प्राप्त हुए, जिसे शासन के खाते में जमा कराया जाएगा। ग्यारह हजार रुपए 121 नंबर टोकन, 12,000 रुपए 24 नंबर टोकन, 12,000 रुपए 121 नंबर टोकन, 13,000 रुपए 13,500, 14,000 एक आका के 14,000 ये भी लेके जाना, 14,500 121 नंबर टोकन, सरकारी बोली 4,000 पहले गाड़ी दी थी, 7,000 सर वाहन की नीलामी की गई, कितना राजस्व मिला और कितनी गाड़ी नीलामी? ये पुलिस थाना सेंधवा सारे में काफी लंबे समय से लावारिस 25 पुलिस एक्ट में वाहन जब्त हुए थे। ऐसी टोटल 37 गाड़ियां थी जिनकी नीलामी होनी थी, जो एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला सर के निर्देशन में पूरे नीलामी की प्रक्रिया करवाई गई है। और वर्तमान में आज एसडीएम सेंधवा श्रीमती तपस्या परिहार, एसडीपी सेंधवा श्री रावत सर और पूरा स्टाफ की उपस्थिति में आज ये पूरी नीलामी कार्रवाई जो हुई है, इसमें करीब 37 मोटरसाइकिल का नीलामी हुआ है और नीलामी में 6,00,000 के करीब जो है पूरा इसमें राजस्व प्राप्त हुआ है। और आगे की जो प्रोसीजर है उसमें जिन जिन लोगों ने बोली लगा कर गाड़ियाँ खरीदी उनको दे दी जाएगी और फिर आगे की जो फर्दर प्रोसीजर है उसको किया जाएगा।